भाई एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जनता किसानों की समस्या एवं समाधान जानकारी को लेकर हमेशा इस चैनल पर आते रहे हैं। ऐसी ही एक जानकारी लेकर आए हैं जो कि दुधवारा है। आपको पता होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उस तरफ आकर्षित किया जा रहा है, जिसमें हम आपको आज एक किसान से मिलाएंगे जो कि 7-8 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उनका अनुभव भी आपके बीच में लेकर आएंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं दुधवारा के किसान से, जो कि प्राकृतिक खेती 7-8 साल से कर रहे हैं और इनका अनुभव आपके बीच में लेकर आएंगे। भैया आपका नाम? कृष्ण कुमार लोधी। आपको जो समय हो चुका है प्राकृतिक खेती करते हुए, आप उसका अनुभव हमारे दर्शकों के बीच में रखें और आप इस प्राकृतिक खेती में किस किस चीज का उपयोग कर रहे हैं। आपकी जो गाय है वह देसी है और आप जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और आपके द्वारा ये जो गोबर गैस इकाई डाली गई है, इन सभी की जानकारी को लेकर हम आपके कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे। आप हमारे दर्शकों को अपना अनुभव बताएं। सबसे पहले हम आपको आपसे इन गायों के विषय में जानकारी लेंगे। ये हमारी देसी नस्ल की गाय हैं और धीरे धीरे हमने संवर्धन करके इनको तैयार किया जी। और प्राकृतिक खेती में पशु धन जी, गोधन है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। जी आप सभी आए जी, पैसे से आते हैं जी जी, मगर हम इनसे उपयोग लेके क्या क्या चीज ले रहे हैं जी, ये चीजें अपन बिल्कुल नहीं आंकते जी जी, क्योंकि वो कहावत है घर की मुर्गी दाल बेरो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे पशुधन देख रहे हैं जी, ये हमको 5 तरह का धन देते जी, गोबर जी, गोमूत्र जी, दूध जी, बछड़ा जी, और प्राकृतिक संरक्षित करने प्राणवायु भी गौओं से जी होती है जी। इसमें लाभ की बात करें जी, आज बाजार में अपन दूध पर निर्भर जी, तो अपना दूध घर पे हो गया, उसकी अगर कीमत लगाएं तो बाजार में हमें नकली मिलावटी दूध मिल रहा है और उतनी वो संतुष्ट नहीं। आज हम शुद्ध दूध खा पा रहे हैं, दूध घी दही मही जो हमारी पारिवारिक आवश्यकताएं हैं वो इनसे पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा आप इनसे प्राकृतिक खेती किस प्रकार से करते हैं? एक गाय से कितनी एकड़ की प्राकृतिक खेती की जा सकती है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहने वाले तो एक गाय से 30 एकड़ की खेती बोलते हैं जी, मनो वाह अपन गोबर की ताकत बढ़ा दे जी, तो अपन पर्याप्त जो बोल रहे हैं जी वो कर सकते हैं। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को इसकी प्रोसेस बताएं कि एक गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे की जा सकती है, क्या यह मुमकिन है, या जो भी किसान है एक गाय को बढ़ाकर 2 करे और उससे 30 एकड़ 10 एकड़, या स्टार्टिंग में एक भी एकड़ करे, तो किस प्रकार से कर सकता है? अब एक गाय से भी कर सकता है, जैसे गाय का गोबर गोमूत्र जी, गुड़ जी, इनसे जीवामृत तैयार कर ले जी, जी, और घन जीवामृत तैयार कर ले जी, तो 1 एकड़ में करीबन 10 क्विंटल को घन जीवामृत को जी, जी, वो है जी, और जीवामृत का अपना 200 लीटर प्रति एकड़ जी अपने हर 15 दिन में खेत में पहुंचाना है। और इसके अलावा जैसे कोई कीट लगता है तो उसके लिए कुछ? पहली बात तो ये है, अगर आपकी जमीन ताकतवर होगी जी तो कोई बीमारी नहीं आएगी जी, और अगर कीट भी लगता है तो हमारे यहाँ प्रकृति ने कई प्रकार की पत्तियां दी हैं जी, जिन्हें कोई भी जीव नहीं खाता जी, जैसे है आपका हो गया बेसरम है जी, कंजी है जी, आपके नीम है जी, आपके धतूरा है जी, पपीता के पत्ते हैं जी, तो गेंदा के पत्ते हैं जी, मतलब कई प्रकार की पत्तियां रहती हैं जो वो रखती हैं, और
उनको अपन पानी में डाल के या उनको उबाल कर तत्काल बनाना है, या तो 21 दिन में नहीं पानी में रखो, वो डाल दो, गोमूत्र डाल दो, इस तरीके से कीटनाशक मतलब कीट रोधक नाशक नहीं जी। इसमें कीट हम कीटों है मारने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। प्राकृतिक खेती में सबको प्रकृति ने जीवन दिया है जी। तो उन्हें जीने का अधिकार है। कहीं ना कहीं कीट हमारी कृषि में कई रूपों से मदद करते हैं, अब वो हम समझ नहीं पा रहे कि भैया ने बताया कि कुछ कीट है जो किसान मित्र भी होते हैं और लोगों से जो कृषक है कीटनाशक डाल डाल के उनको खत्म कर रहे हैं, बल्कि वह कृषि में किसानों की सहायता भी करते हैं। इसके अलावा भी है जो आपके द्वारा गोबर गैस इकाई डाली गई है वो किस प्रकार से आपकी प्राकृतिक खेती में मददगार है? गोबर गैस इकाई में एक तो अपन को गैस मुफ्त में मिल रही है, हम गैस के लोगों का अदर खर्चा खत्म हो गया, आत्मनिर्भर है जी। आज जैसे लोगों की टंकी खत्म हो जाती है उसको तुरंत लेने भागना पड़ता है और जेब से पैसे देने पड़ते हैं। मान लो हम साल भर में 8 टंकी लगती हैं एक परिवार में जी, बिल्कुल मोटे हिसाब में जी। तो आज हम 88,000 रुपया की जी गैस हमारी साल भर में, बिल्कुल साल भर में एक्स्ट्रा खर्चा। दूसरा दूध का जी है, और आज घी दही मही से हम धन है। बिल्कुल ये तो देखने को ही नहीं मिलता कहीं कहीं तो समझ लिए, देखने को ही नहीं मिलता। दूसरी चीज क्या है कि अपनों जो खाद तैयार हो जाता जी, तो गोबर गैस को जो कंपोस्ट खाद निकला तो अपन तत्काल खेत में बहा सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं जी, है जी। उससे नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं। हाँ, और दूसरी चीज क्या है उसको केंचुओं के हवाले भी कर देते हैं तो बहुत जल्दी उसको कंपोस्ट करके जी खेत में उपयोग, केंचुओं द्वारा सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व जो मुख्य तत्व होते हैं वह उससे मिल जाते हैं। तो भैया ने हमको गोबर गैस इकाई की भी जानकारी दी कि इससे किसान क्या क्या फायदे ले सकता है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो पशुपालन है उनके लिए आप चारे के लिए क्या उपयोग करते हैं? चारे के लिए हमारे खेत की मेड़ है जी, और कृषि में जो भूसा बचता है जी, वो है अवशिष्ट, और उसके बाद चारा लगा दिखा रहा है आपको जी सामने, तो वो भी लगा है, नेपियर घास है, बरसीम है, जिनका उपयोग करते हैं। तो घर बिल्कुल 100% शुद्ध दूध घी दही जी, ये चीज हमारे लिए। तो कृष्णकांत भाई साहब ने हमको बताया कि इनके चारे के लिए इनके द्वारा जो मेड़ों पर जो नेचुरल घास मिलती है उसका उपयोग करते हैं, इसके अलावा जो नेपियर घास होती है उसका भी उपयोग करते हैं, और किसानी में जो अपशिष्ट बचता है जैसे अभी धान लगी हुई है इसका जो अपशिष्ट धान का फुलाव बचेगा उसका उपयोग अपनी गायों को नेचुरल खिलाने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो इनके पास में जो नेचुरल तरीके से फार्मिंग की जा रही है इनको जो साग सब्जी सब नेचुरल रूप में अच्छा स्वाद के साथ प्राप्त होता है। इसी के साथ और भी जानकारी हम भाई साहब से लेंगे, ये नेचुरल रूप से जो गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने से जो गुड़ बनाते हैं उसका स्वाद कुछ जो मार्केट में प्राप्त होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। इनकी कुछ ब्रांडिंग भी है जैसे गुड़ की ब्रांडिंग हो गई, दाल की ब्रांडिंग हो गई। भाई साहब घर पे ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और छोटे छोटे कट के रूप में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी जानकारी भी हम लेंगे इनसे। साथ ही साथ इनके द्वारा जो कंपोस्ट बनाई जा रही है केंचुओं द्वारा उसकी भी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो जैविक के रूप में केंचुओं के द्वारा जो खाद बनाई जाती है और इसके अलावा इनका जो अपशिष्ट बचता है वो किस प्रकार से खेतों में पहुंचाते हैं। जो आप वर्मी वॉश या फिर हो गया आपका जीवामृत हो गया भस्म रसायन हो गया आप किस प्रकार से अपने खेतों तक पहुँचाते हैं? एक अपनी पानी की मोटर लगी है जी, उसमें साथ में एक ड्रम है जी, और उसमें एक छोटी सी पंप वाली मोटर लगा दी है जी। तो जैसे व्यक्ति के शरीर में अपन बॉटल लगाते हैं जी, इसी तरीके से हमने उसमें ये अटैच कर दी है जी। तो एलीमीटर से जी, और वो पंप से
थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल के साथ में पानी के साथ जाता रहता है। आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको पता चल जाएगा प्राकृतिक खेती किस प्रकार से की जा सकती है। भाई साहब को प्राकृतिक खेती करते हुए 7-8 साल हो चुके हैं और इनका अनुभव बिल्कुल अलग है कि ये अच्छी तरीके से जो ट्रेनर बताते हैं उसके तहत आपको उसी तरीके से जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। अगर किसी भाई साहब को प्राकृतिक खेती से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम दिखलाते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने खेतों में इस जीव अमृत भस्म रसायन हो गया जो भी खाद इनके द्वारा बनाई जा रही है वह किस प्रकार से अपने खेतों तक पहुँचाते हैं। अंत पटेल साहब ने हमको बताया कि किस प्रकार से बेंचरी न लगाकर ज़्यादा खर्चा न कर आप नॉर्मली घर पे कुछ साधन इकट्ठे कर किस प्रकार से अपने खेत में जो प्राकृतिक खाद होती है जैसे जीव अमृत हो गया, भस्म रसायन हो गया या और भी कुछ, उसको कैसे अपने खेत तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको जो हम दिखा रहे हैं ये हमको पटेल साहब बताएंगे कि किस प्रकार से ये अपने खेत में खाद को स्थानांतरित करते हैं। तो भैया आप कुछ इस विषय में हमको जानकारी दें। इसमें एक पंप की मोटर लगती है जी, और सटक लगती हैं दो और एक ड्रम जी, और एक इसका ये एलिमीटर रहता है जी। तो इसको अपन बिजली से कनेक्ट कर देते हैं और कम बाम में मतलब कम बिजली के खर्चा में जी, ये रेगुलर बॉटल जैसे अपने पाइप में जुड़ा है जैसे जी, जी। तो रेगुलर अपना पानी के साथ अपना जीव अमृत जो भी है अपन बनाते हैं मही का या गौमूत्र है वो सब अपने पानी के साथ चला जाता है। तो भैया ने हमें जीव अमृत खेत में कैसे पहुंचा सकते हैं उसके बारे में भी बताया, सबसे सरल तरीका, सबसे सुलभ। इसके अलावा भाई साहब के यहाँ पे कुछ देसी गाय है, देसी नस्ल की गाय, जिससे कि वो है प्राकृतिक खेती करते हैं। और इसके अलावा हमने जो वीडियो में बताया कि गोबर गैस, ये जो गोबर गैस बना हुआ है कृष्णकांत पटेल साहब के यहाँ मकान पर बना हुआ है, जिससे कि वह अपने घर के खर्च को भी कम करते हैं, साथ ही साथ इससे प्राकृतिक खेती और करते हैं। तो इसी के साथ और जानकारी हम देंगे कि इनके यहाँ पे प्राकृतिक खेती करने के लिए क्या क्या साधन है। ये जो सब्जी लगी है ये टोटली मिलेगा, नेचुरल स्वाद मिलेगा, और गड्ढा बना हुआ है इससे जो वेस्ट निकलता है जैसे गोबर गैस का वेस्ट हो गया या जो गौ मूत्र हो गया वह एकत्रित करके सीधा अपने खेत में पहुंचाते हैं। इनके यहाँ पे नेचुरल जो प्राकृतिक खेती से जो धान की जो फसल है वह भी बहुत बढ़िया है और अच्छा दाना है इसका। ये धान की फसल है जो कि 11-21 है और इसमें कोई भी प्रकार का कीट अभी नहीं लगा हुआ और एक कटने की स्थिति में भी हो चुकी है। खाद जो रासायनिक खाद होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये देखिए हम आपको दिखाएंगे, ये नेचुरल केंचुआ खाद है और इसमें केंचुए भी उपलब्ध हैं। जो नेचुरल खाद होती है जैविक के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है, इनके यहाँ पे कम से कम 8-10 एकड़ जगह में नेचुरल प्राकृतिक खेती हो रही है। इसके अलावा जो गायों के लिए चारा गाय की व्यवस्था है इनके यहाँ पे, जो ये जो आपको दिख रही है ये नेपियर घास है और यह एक बार लगा देने से कम 5 साल तक इस नेपियर घास को काट सकते हैं जाती है। उसमें ये आपको लौकी दिख रही है, ये लौकी समथिंग 5-6 किलो की लौकी होगी और अभी बहुत ही नरम है। आप इसमें अपना नाखून भी गड़ा के देखें तो बहुत नरम है और ये टोटली प्राकृतिक है। ये दूर दूर तक केमिकल से संबंध नहीं रखती। ये अमरूद का पौधा है और इतना छोटा होने के साथ इसमें फल काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। ऐसी ही जानकारी हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्राकृतिक खेती में जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसका इन कृष्णकांत पटेल साहब ने अच्छी तरीके से किया। इनके चारों तरफ के जो खेत हैं
उनकी निचाई जहां तक पहुंचती है उसके नीचे एक तालाब का निर्माण कराया है जिससे बरसात का पानी एकत्रित होता है। साथ ही साथ इनके द्वारा अपने तालाब की मेड़ पर हल्दी की जो फसल है वो भी उगाई गई है। और इसके अलावा हम इनसे और पूछेंगे कि इसमें जो जल सर एक गीत है जी, दे समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जी, जी। उसी तरह से प्रकृति हमको सब कुछ देती है जी, अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे जी, तो निश्चित ही हम भविष्य में जी, बहुत बुरी स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो इसी सृष्टि से 4 महीना प्रकृति हमको जल देती है जी, जो उसका नियम है, तो उसको अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे जी, और बहा देंगे तो आज हम हर साल देख रहे हैं वाटर लेवल की स्थिति कितनी गिर जा रही है। हमने कुआं में ऊपर से मोटर चलाई है जी, आज 70-80, 110-120 पे मोटर चल रही हैं, कहीं कहीं 200-250 पे हैं जी। तो अगर इस मॉडल को अपना लिया जाए कि हर 10-15 एकड़ में एक छोटा सा तालाब जल संरक्षण के लिए जी हिसाब से बना दिया जाए, भाई अपने हिस्से की 10वां नहीं 100वां भाग, तो उससे अपन ये कर सकते हैं कि आज जो हमारा जो गिरता हुआ वाटर लेवल है अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ दे के जा सकते हैं। तो इनका किसानों को एक ही संदेश है कि हर किसान 10 से 15 एकड़ के बीच में एक तालाब, छोटे से तालाब का निर्माण करे जिससे कि जल संरक्षण हो सके। साथ ही साथ इनने जो हमें जानकारी दी है और इनके द्वारा जो तालाब बनाया गया है इसमें 4 माह जो बरसात का समय है उसमें जल संरक्षण होता है, और यह इनकी एक अच्छी सोच है जिससे कि किसान जो भविष्य में जो पानी की कमी ना आए और पानी को बचाया जा सके। हम जैसा कि हमने इस वीडियो में प्राकृतिक खेती संबंधित सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराई है, उसके अलावा कृष्ण कुमार पटेल साहब जो कि दुधवारा से हैं उनके द्वारा अपने कुछ प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो गुड़ एवं दालें हैं जिनकी अपनी एक पहचान है जिसका नाम अरुण कृषि फार्म दुधवारा है। इनके द्वारा गुड़ के भी कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, साथ ही साथ दाल भी विक्रय के लिए मार्केट में पहुंचाई जाती है। अब हम इन्हीं के मुखाग्र से सुनेंगे कि इनके द्वारा गुड़ में क्या क्या बनाया जाता है। अभी पिछले साल तक मैंने सादा गुड़ तैयार किया था जो 1 किलो की पैकिंग में जाता है और 5 किलो की पैकिंग में जाता है। इस साल से गुड़ में कुछ 8-10 प्रकार की वैरायटी और तैयार करने की चल रही है योजना, और जिसमें फल्ली गुड़ है, तिली गुड़ है, इन पे भी मैं काम करूंगा। और दूसरी चीज़ है दाल जी, जो हमारे पुराने समय में घर में बनती थी नेचुरल तरीके से, उस तरीके से दाल बनाने की भी प्रोसेस हमारे यहाँ होती है। तो आप कुछ सैंपल बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? ये हमारा गुड़ का पाउडर है जिसको चम्मच से लेने में जी आसानी होती जी है जी, और इसको आप चाय बनाने से लेके हर चीज में, खीर चाय हर चीज में आप उपयोग करें जी, और लोग करते हैं जी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रचार हमको इतना नहीं करना पड़ता जितना लोग जो हमारी प्रोडक्ट उपयोग कर लेते हैं वो लोग करते हैं। तो भाई साहब का जो गुड़ है वो बिल्कुल ही जहर मुक्त गुड़ है, और इनके द्वारा कहा गया है कि इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वह लोकल में मतलब इनकी डिमांड इतनी है कि लोकल में और बाहर इनके पास दूर दूर से ऑर्डर प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा जितना भी गुड़ बनाया जाता है सभी एक उचित मूल्य पर विक्रय हो जाता है। और अगर आपको भी जहर मुक्त गुड़ चाहिए तो हम आपको कमेंट बॉक्स में इनका नंबर कमेंट करेंगे, आप उनसे संपर्क डायरेक्टली कर सकते हैं और आप भी जहर मुक्त गुड़ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो डिलीवरी पीरियड में माताएं रहती हैं जो कमजोरी को सबसे रिकवर करने का साधन गुड़ ही है, जिससे माता पोषण लेती हैं
और बच्चे भी उसके माता के दूध द्वारा वो पोषण को ग्रहण करते हैं। तो जो हमारी पुरानी परंपरा है उसी पे आधारित होके हमने ये काम किया है। और आज स्वाद 40 साल पहले जो था, जो अपने नेचुरल खेती का, वो स्वाद हम दे पा रहे हैं। आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर आपको भी गुड़ चाहिए हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनका नंबर देंगे, आप इनसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये नरसिंहपुर जिले के दुधवारा ग्राम पंचायत में रहने वाले एक आम व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा प्राकृतिक खेती कर अपने प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं और दूसरे लोगों को स्वस्थ भी रखा जा रहा है। भैया धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी।